कमिंग टू माय रूम। होम हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग मूवी रिव्यूज ब्लॉग। सो गाइस, दृश्यम 2 रिलीज हुई थी एंड इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तहलका सा मचा दिया। जब फिल्म रिलीज होने वाली थी उससे पहले एक्सपेक्टेशंस थी कि फिल्म की ओपनिंग 10 करोड़ के आसपास की आ सकती है एंड मे बी अगर रिव्यूज अच्छे हुए तो फिल्म नाइट शोज में पिक कर लेगी एंड ओपनिंग 12 करोड़ तक की चली जाएगी। लेकिन जो फिल्म का ओपनिंग डे आया वो आया 15.38 करोड़, यानी सारी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर गया वो। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेट कलेक्शंस के बारे में। अब जिनको नहीं पता नेट क्या होता है, ग्रोस क्या होता है, शेयर क्या होता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ग्रोस वो होता है जो आप लोग टिकट्स के लिए पे करते हो। नेट वो होता है जब आप ग्रोस में से टैक्स माइनस कर देते हो। हम जनरली जब हिंदी फिल्म्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें नेट कलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। शेयर होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को नेट कलेक्शन में से कितना हिस्सा मिलता है। तो दृश्यम 2 के कलेक्शंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट डे था 15.38 करोड़ नेट। सेकंड डे फिल्म ने जबरदस्त जंप ली। जो फिल्म का बॉक्स ऑफिस आया वो था 21.59 करोड़। एंड थर्ड डे उससे भी जबरदस्त जंप, मतलब 27 करोड़ तीसरे दिन कमाया फिल्म ने। अगर ध्यान से देखा जाए तो 15 से 27 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट फिल्म के डबल के आसपास का ही कलेक्शन है। तो ये बताता है कि फिल्म को एक्सेप्ट किया जा चुका है। तो फिल्म के टोटल नेट कलेक्शंस जो बने वीकेंड के वो बने 64.14 करोड़। एंड अब ग्रोस बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करें वो हुआ 76.9 करोड़। बात करें ओवरसीज के बारे में, वहां पे भी परफॉर्मेंस फिल्म की सही है। वहां से आया लगभग 20 करोड़ के आसपास का वीकेंड। तो इंडिया प्लस ओवरसीज के ग्रोस को अगर हम ऐड कर दें तो वो होता है वर्ल्ड वाइड ग्रोस। और वर्ल्ड वाइड ग्रोस फिल्म का वीकेंड के लिए रहा है 96.9 करोड़। इसको रफली मान लेते हैं 97 करोड़ रहा है वीकेंड के लिए। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे फिल्म 100 करोड़ तो क्रॉस कर चुकी होगी। अब फिल्म के लाइफ टाइम कितना जाता है, फिल्म हिट होगी, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर, वो हमें वीकडेज की ट्रेंडिंग से पता लगेगा। लेकिन इस वीकेंड से एक बात जाहिर है कि फिल्म हिट होगी होगी। फिल्म का बजट 50 करोड़ है और इससे ज़्यादा की फिल्म की सेल्स हो चुकी है नॉन थिएट्रिकल। तो जो थिएट्रिकल रेवेन्यू है ये बस प्रॉफिट है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बावजूद थिएटर की परफॉर्मेंस होनी जरूरी है। आप फिल्म को हिट नहीं कह सकते अगर फिल्म ने 10 करोड़ कमा लिया थिएटर से। ये एक अजय देवगन की फिल्म है तो इस फिल्म को कहीं ना कहीं 100-110 करोड़ इस टाइप का बिजनेस करना पड़ेगा हिट होने के लिए। एंड अगर फिल्म 200 के आसपास का बिजनेस करती है, 200 करोड़ नेट, तो फिल्म को ब्लॉकबस्टर का भी टैग मिल सकता है। वो फिल्म आगे कैसे चलती है वो हमें वीकडेज के बाद ही पता लगेगा। बट नेवरदलेस इट इज अ कमबैक फिल्म फॉर अजय देवगन। बात करें ऊंचाई के बारे में तो ऊंचाई भी अपना रन काफी सही तरीके से चला रही है। बिल्कुल स्टेडी कलेक्शंस आ रहे हैं, लो लेवल पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि फिल्म 5-5, 10-10 करोड़ कमा रही हो, 1-2 करोड़ रोज का इस टाइप के कलेक्शंस आ रहे हैं फिल्म के। एंड फिल्म ने फिर से वीकेंड पे जंप ली एंड जो फिल्म का अब कलेक्शन हो चुका है वो है 23 करोड़। ग्रोस कलेक्शन फिल्म का हुआ 28 करोड़ एंड ओवरसीज से भी कुछ 7 करोड़ के आसपास का हो चुका है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ फिल्म का 35 करोड़। फिल्म का बजट है 55 करोड़ एंड जो फिल्म की कमाई हुई है नॉन थिएट्रिकली वो है 70 करोड़। तो फिल्म प्री रिलीज ही प्रॉफिट्स में थी एंड कहीं ना कहीं ये थिएट्रिकल रिलीज एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन अगर फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई है तो उसका बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट उसकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से ही डिसाइड होता है। तो ऊंचाई अगर 35 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर लेती है 35 करोड़ नेट, तो उसे एवरेज टैग मिल जाएगा। एक फिल्म का टैग अगर एवरेज से ऊपर होता है या फिर एवरेज होता है तो उसे बॉक्स ऑफिस सक्सेस कहा जाता है। तो जिस तरीके की ट्रेंडिंग चल रही है ये बॉक्स ऑफिस सक्सेस हो सकती है डेफिनेटली। तो दृश्यम 2 एंड ऊंचाई बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस सक्सेस फ्रॉम बॉलीवुड। तो मैं तो चाहता हूँ ये वाला फेज जो है बॉलीवुड का ये आगे भी कंटिन्यू हो और भी बैक टू बैक हिट्स आए। बात करें वकांडा फॉरएवर के बारे में, उस फिल्म ने $288 मिलियन डोमेस्टिक से कलेक्ट कर लिया है एंड $258 मिलियन ओवरसीज से कलेक्ट कर लिया है। तो फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है $546 मिलियन। तो जिस तरीके से फिल्म ट्रेंड हो रही है कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस सक्सेस ये जरूर है एंड मार्वल के लिए एक और सक्सेस है। रिसेंटली अभी हनुमान का टीजर रिलीज हुआ है, एक तेलुगु फिल्म है ये और पहली सुपर हीरो फिल्म है तेलुगु सिनेमा की। टीजर रिलीज हुआ, टीजर में अच्छे विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं। जो शुरू में विजुअल्स हैं, मतलब पहले तो मैं फिल्म का बजट जानना चाहूंगा कितना बजट है, क्योंकि विजुअल्स काफी सही दिखाई दे रहे हैं। मतलब विजुअल इफेक्ट्स हर जगह पे परफेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन काफी जगहों पे वो सही दिखाई दिए टीजर में। सो होपफुली फाइनल प्रोडक्ट में वो और बेटर दिखेंगे। एंड जो बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा चल रही है, अगर वैसे हम थिएटर्स में सुनेंगे तो गूज़बम्प्स तो पक्का आने वाले हैं। टीजर में कुछ प्लॉट रिवील नहीं किया गया, जो कि एक टीजर की अच्छी बात है। टॉलीवुड इज नोन फॉर मास कमर्शियल फिल्म्स। अब कहीं ना कहीं जब ऐसी फिल्म आपको दिखाई देती है तो इट डेफिनेटली लुक्स लाइक अ सरप्राइज एंड होपिंग कि एक प्लेजेंट सरप्राइज हो।
सो आप लोगों को टीजर कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड दृश्यम 2 एंड ऊंचाई के लाइफ टाइम से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है वो भी बताओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, मेक श्योर टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल।